हे गाइस, दिस इज मयंक कुमार बाजोरिया और वेलकम आज के वीडियो में। नारायण मोदी सर ने 70 घंटे काम करने की एडवाइस क्या दे दी, हम सबकी तो वाट लग गई है। हम सबको ऐसे रिएक्ट करें जैसे कि आज ही हमारे ऑफिस से फोन कॉल आने वाली है और ईमेल आने वाली है कि अगर आप 70 घंटे काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑफिस से निकाल दी जाएगी। गाइस, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उनकी एक नई रूल आने वाली जहाँ पे वो 6 दिन ऑल्टरनेट जो सैटरडे वो काम करते थे अब वो नहीं करेंगे। अब उनकी जो बैंक है वीक में 5 दिन ही खुली रहेगी। इसकी जो लॉस होगी वो हम सभी को होगी डेफिनेटली गाइस। तो 70 घंटे आप काम करो या नहीं करो वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो गाइस जो स्टार्टअप फाउंडर्स है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी बना दिया, हम सभी को डिलीवरी बॉयज बना दिया, उनको कोई राइट नहीं है नारायण मूर्ति सर को क्रिटिसाइज करने का जिन्होंने इंडिया की जो मैन पावर है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन दिया। इसी कंपनी के कारण दुनिया की सारी कंपनी ने इंडियन मैन पावर को एक्सेप्ट करना शुरू किया। आज इंडियन मैन पावर कहीं भी चली जाए दुनिया में, उनको जॉब मिलना तय है। और शायद इसी कंपनी के कारण, नारायण मूर्ति सर के कारण ही आज जो टॉप टॉप कंपनियां है दुनिया की, उसमें जो CEO है वो इंडियन है। तो गाइज, हम सभी को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो आपको नहीं बताई जाती है गाइज, लेकिन ये फैक्ट है। मैंने ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपने बुक में भी लिखा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी को अपने सक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो अभी राइट टाइम है। 70 घंटे बहुत कम है, एक्चुअली 100 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो गाइस, ये आपकी चॉइस है। और अगर ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अभी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।